हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल के लंबा खींचने के साथ ही नित्य नए विवाद सामने आ रहे हैं। सिरसा में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल दो वीडियो भी एक ऐसे ही विवाद को जन्म दे रही हैं। हरियाणा रोडवेज की बस के भीतर के इन वीडियो के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा कंडक्टरों के स्थान पर बसों में भेजे जा रहे इंस्पेक्टर सवारियों से पैसे लेकर टिकट नहीं दे रहे। इस विवाद को लेकर हमने अलग अलग पक्षों से बात की है, आइए सुनते हैं। जो दो वीडियो के अंदर जो आ रहा है वो पैसे ले रहे हैं और उसमें टिकट किसी को नहीं दे रहे। एक वीडियो वायरल भादरा से जो एक भूप सिंह खान इंस्पेक्टर है वो भी पैसे ले रहे दिखाई दे रहे हैं, पर उसने भी कोई किसी सवारी को टिकट नहीं दिए। इसमें हमारा ये कहना है कि सरकार इन पर लगाम लगाए और इनकी इनकी चेकिंग है वो चेकिंग बढ़ाए और पैसे लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। टिकट दिए? हाँ बिल्कुल, टिकट दे रखी है मैंने जी 100%। इसमें कोई कौन से रूट पे चले थे वो? मैं जी सिरसा से नोट गया था और नोट से वापस आ रहा था जी। तो यात्री कहाँ से चढ़े थे वो? जमाल से चढ़े थे और बरासरी उतरे हैं, दो सवारी है। टिकट दे रखी मैंने। कितने पैसे लिए थे टिकट के उनसे? 10 रुपये जी, 10 रुपये दे रहे, 10 की टिकट दे रखी है और जो निशान लगा के टिकट दी मैंने बिल्कुल। कि टिकटें नहीं दे रहे और पैसे ले रहे हैं वो, माने हमने जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, आपको पता है कि कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आई हुई हैं कि हमने पूरे क्लरिकल स्टाफ को, पूरे वर्कशॉप स्टाफ को और पूरे इंस्पेक्टर्स को रोड पर एज ए कंडक्टर भेजा है, लेकिन हम इंस्पेक्टरों को टिकट बॉक्स जारी नहीं कर सकते। मैंने मेरे क्लर्क को टिकट बॉक्स जारी किया है, टेक्निकल स्टाफ को टिकट बॉक्स जारी किया है, इंस्पेक्टर के पास हमारे 10 टाइम फाइन की एक पर्ची होती है, रसीद जो कि सरकारी ऑथेंटिक है, हमने उनको ऑथराइज किया है कि आप उस पर ही पैसेंजर के नंबर ऑफ पैसेंजर डालकर मल्टीप्लाई बाई किराया फेयर जो होता है वो एक को दे दें। जैसे 4 सवारी हैं तो 4 इकट्ठा करके एक को रसीद दे दें। हमने पब्लिक की सुविधा को देखते हुए ये ऐसा किया है, उनको ऑथराइज किया है। ये कहना बिल्कुल गलत है, मैं इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि इसमें कोई घपला किया है या और कोई चीज़ है, क्योंकि पैसेंजर को टिकट की आदत पड़ी हुई है और ये इंस्पेक्टर्स के पास सरकारी रसीद है, जो उसको रसीद दी गई है उसके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट लिखा हुआ है पूरा। तो इस प्रकार से मैं इसको कोई घपला नहीं समझता। मैंने अभी कोई भी वीडियो किसी प्रकार की कोई वीडियो मेरे पास नहीं आई है, न किसी ने बताया मेरे को, लेकिन सुना है मैंने कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने यही कहा कि जब मेरे सामने पिक्चर आएगी, वीडियो आएगी, तो मैं उसका खंडन करना क्या करना वो देखूंगा, लेकिन कईयों ने देखा है कि ये बिल्कुल झूठ वायरल की हुई है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।